हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, क्या आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा इंसान था जो इंसान आपसे कहता था कि कुछ पल अगर वो आपसे दूर रहे तो उस इंसान की दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं और वो इंसान तड़पने लगता है आपसे बात करने के लिए। तो एक ऐसे ही इंसान की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स जानना और ये देखना कि आपसे बिना बात किए वो इंसान किस हाल में है, आपके बारे में क्या सोचता है। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वह हैं द हाई प्रिस्टिस, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड फोर ऑफ सोर्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एयर साइन है, कुंभ, धन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं एक नंबर, दो नंबर और चार नंबर। ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये तो रही जोडियक साइंस और नंबर्स की बात, अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की कि जो इंसान आपसे इतने वादे करता था कि वो कभी भी आपसे जुदा नहीं होगा, आपसे दूर रहकर उस इंसान के दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं, वो इंसान परेशान हो जाता है बात करने के लिए, आपकी खैरियत जानने के लिए, तो वो इंसान आपसे दूर होकर कैसा फील करते हैं, उस इंसान की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं टू ऑफ सोर्स का कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन किस हाल में है आप खुद ही देख लें कि कितना तड़प रहा है आज भी ये पर्सन आपके लिए, आपसे बात करने के लिए ये पर्सन बहुत तड़पते हैं, पर आपसे ब्रेकअप करने के बाद इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपसे कांटेक्ट कर सकें और कोई बहुत बड़ी मजबूरी जो यहाँ पर इस पर्सन की नज़र आ रही है वो है इस पर्सन के जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये पर्सन ना तो आपसे बात कर सकते हैं और ना ही आपसे कॉन्टैक्ट करने की पोजिशन में ख़ुद को देख पा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है इस पर्सन के जीवन में जो इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया, इस वक्त तड़प रहे हैं आपकी याद में फिर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्या है वो मजबूरी। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये मजबूरी इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से ये पर्सन स्टक होकर रह गए हैं, ना तो ये उस इंसान को छोड़ सकते हैं और ना ही आपके पास आ सकते हैं। तो ये मजबूरी यहाँ नज़र आ रही है, इस पर्सन ने अगर आपसे ब्रेकअप किया है तो उस इंसान की वजह से किया है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स का कार्ड भी है और साथ ही पेज ऑफ सोर्स का कार्ड भी है और ये दोनों ही कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने जब से आपसे ब्रेकअप किया है भले ही ये पर्सन आपसे दूर ज़रूर हैं पर तड़प रहे हैं आज भी, काफ़ी नेगेटिव हो गया है, इस पर्सन का मन नहीं लगता कहीं भी। ये पर्सन सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं, आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान ना आपसे दूर होकर भी आपके कॉन्टैक्ट में रहना चाहता है पर अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आपसे बात करते रहना चाहता है। तो इस पर्सन ने हो सकता है सोशल मीडिया पर किसी अदर नाम से या फिर अपने फ्रेंड्स के अकाउंट से ही आपसे बात करने की कोशिश की हो, ये पर्सन आपके संपर्क में अभी भी बने हुए हैं, आप इस पर्सन को नहीं जानते, ये पर्सन ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन भी आपको ज़्यादा नहीं जानते, तो ये पर्सन आपसे बात करते रहना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये इस तरह से आपके साथ में ना संपर्क में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है और एक चीज़ जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है वो है आपके पर्सन की कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी मजबूरियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो ये पर्सन आपको बता नहीं सकते हैं और खुलकर उनके बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो है द हाई प्रिस्टिस का आया है। तो यहाँ पर ये पर्सन इसी टाइप का इंसान है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी जो मजबूरियाँ इस पर्सन की लाइफ में पहले भी बनी हुई थी और अभी भी जो बनी हुई हैं इनके बारे में खुलकर कभी इस पर्सन ने बात नहीं की, यही वो वजह है कि आप इस पर्सन को ठीक से नहीं समझ सके, नहीं जान सके। और ये पर्सन अगर बात भी करते थे ना तो सिर्फ आपको ये शो करने की कोशिश करते थे कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस हैं, ये पर्सन कभी आपको धोखा नहीं देंगे चाहे कोई भी मजबूरी क्यों ना हो, पर इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी ऐसी मजबूरियाँ थीं जिनकी वजह से ये पर्सन ना तो आपको कमिटमेंट दे सकते थे और ना ही सारी उम्र ये पर्सन इस रिश्ते को निभा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने छुपा कर रखी और सिर्फ आपके संपर्क में रहने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए ये पर्सन आपके कांटेक्ट में रहे, आपसे बात करते रहे, आपको अपना प्यार शो करते रहे और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिन्हें छुपा कर ही रखे रहे ये पर्सन।
तो इस पर्सन के दिल में जो भी गम था इस पर्सन ने अपने दिल में रखा, आपको शो किया तो सिर्फ और सिर्फ प्यार शो किया कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकेंगे, आपके बिना तड़पते हैं। तो ये पर्सन अपनी तड़प, अपनी बेचैनी, अपने दिल का हाल तो बताते रहे, पर हाँ वो सारी चीज़ें इस पर्सन ने छुपाई जो इस पर्सन की लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट थे जो ये पर्सन अगर आपको बताते तो आप इस पर्सन को कभी भी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देते, इस पर्सन को पाने की पूरी शिद्दत से कोशिश करते। तो ये पर्सन नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी, ये पर्सन चाहते थे कि जब तक ये पर्सन आपके साथ में है आप इस पर्सन के साथ हैप्पी रहें, खुश रहें और इस पर्सन पर विश्वास करें। तो इस पर्सन ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपसे ये पर्सन ब्रेकअप करके जाएंगे, पर इस पर्सन ने आपकी खुशी की वजह से आपसे ब्रेकअप किया है ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक ना सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सके, ये पर्सन आपके बारे में जब सोचते थे ना तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको भी सारी उम्र कोई आपका साथ निभा सके, आपको एक ऐसा इंसान चाहिए, पर ये पर्सन ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस पर्सन ने ना जानबूझकर आपका दिल तोड़ा, आपसे दूर चले गए, आपसे ब्रेकअप कर लिया। आप इस पर्सन को बेवफा समझते हैं, बल्कि ये पर्सन बेवफा नहीं है। इस पर्सन को जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश होकर अपने बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा, तो इस पर्सन ने एक बार जब काफ़ी अच्छे से समझा इस रिश्ते को ना, तो इस पर्सन को ऐसा ही लगा कि इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी से चले जाना ही अच्छा है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, क्योंकि इस पर्सन के साथ में आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। तो इस पर्सन को अपने साथ ना आपका कोई भविष्य नज़र नहीं आता था, यही वो वजह है कि ये पर्सन आज आपसे दूर हैं। आपसे कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी ये पर्सन ये शो नहीं कर रहे कि ये वही इंसान है। तो ये पर्सन सोशल मीडिया पर आपके साथ में बने हुए हैं, ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपके लिए तड़पते हैं, आज भी ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो इस पर्सन ने कोई दूसरा रास्ता निकाल लिया है आपके संपर्क में रहने का, ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। आप भले ही ये चीज़ जानते हो या नहीं जानते हो, पर हाँ ये पर्सन आज भी आपके कॉन्टैक्ट में है और आप पर पूरी नज़र बनाए हुए है कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं। तो इस पर्सन की पूरी नज़र आप पर बनी हुई है और यहाँ पर एक कर्मा साइकिल भी नज़र आ रही है, जो द वर्ल्ड के कार्ड में आप देख भी सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कभी कभी कि शायद आप दोनों का साथ किस्मत में नहीं था, इसीलिए आप दोनों जुदा हैं, अलग हैं, क्योंकि ये पर्सन तो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह पाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, इस पर्सन को आपकी खुशियाँ ज़्यादा प्यारी हैं ये कह सकते हैं, या फिर इस पर्सन की मजबूरी इतनी बड़ी है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं रह सकते, इस रिश्ते को नहीं निभा सकते, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे कॉन्टैक्ट पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो जो इंसान पहले आपसे प्यार करने के दावे करता था, आपके बिना नहीं रह सकता है, वो आज भी आपके बिना नहीं रह पा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। पर आपके संपर्क में भी खुलकर नहीं रह सकता, ये चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।